फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस पीवीसी कूलर की मोटर की बाइंडिंग हम 3 स्पीड में एल्युमिनियम के किस डेटा से करेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्लास्टिक वाले कूलर की मोटर, इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे 3 स्पीड में एल्युमिनियम वायर से। तो इसकी जो कोर की लेंथ है वो है 1 इंच यानी कि 25 mm और इसकी जो कोर का डाया है वो है 2 इंच 350 यानी कि 60 mm और इसकी जो लच्छी की लेंथ रखेंगे वो हम 10.5 इंच रखेंगे यानी इसको अगर हम सर्कल में नापेंगे तो वो 21 इंच हो जाएगा। तो फटाफट से हम इसकी कॉइलें बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी चारों ही कॉइलें बना ली हैं एक साथ तार को बिना कट करे और इसके अंदर हमने मेन बाइंडिंग में 180 टर्न्स डाली हैं क्योंकि हम इसके अंदर सिंगल डबल राउंड डालने वाले हैं। उसके बाद तार कट करने के बाद इसकी स्पीडों के अंदर हमने 10-10 टर्न्स डाली हैं चारों ही कॉइलों में और उसके बाद तार कट करने के बाद निशान लगाने के बाद हमने दूसरी स्पीड के अंदर भी 10-10 टर्न्स डाली हैं यानी दोनों ही स्पीडों के अंदर 40-40 टर्न्स हो गई हैं। तो ये हमने कॉइल बना ली है और इसको हम बाहर को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम कॉइल को बाहर को निकाल लेंगे और ये रही हमारी चारों ही कॉइल तार को बिना कट कर ही बनाए। तो पहली कॉइल किस तरह से बनाएंगे, जो हमारी लीडें हैं उसको हम अपनी साइड रखेंगे और इसको हम किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे ये जो होल है उससे एक स्लॉट छोड़ करके हम लीड कॉइल को डालेंगे ताकि जब हम इसके अंदर रोड़े डालेंगे फिट करते समय तो यहाँ पर कॉइल में टकराए। तो एक कॉइल डाल दी हमने, उसके बाद दूसरी कॉइल 1 से 4 पिच पर हम इसको डाल देंगे। इसके अंदर हम एक राउंड डालेंगे और उसके बाद कॉइल की थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। कॉइल की सेटिंग हो चुकी है और ये रही हमारी फर्स्ट लीड और ये रही इसकी सेकंड लीड। तो मोटर को हम घुमा लेते हैं। उसके बाद इसके जो हम राउंड डालेंगे सामने वाला हैंड घुमाएंगे, चाहे तो आप अपने साइड वाला हैंड भी घुमा सकते हैं। तो इसको हम जो हमने अभी कॉइल डाली है इसके बगल वाली स्लॉट के अंदर इसको हम डाल देंगे। बहुत ही आराम से पड़ जाएगी लेकिन थोड़ा सा आराम से डालेंगे क्योंकि ये एल्युमिनियम का वायर है और इसका दूसरा सिरा हम 1 से 6 पिच पर हम इसको डाल देंगे जो कि सामने वाली कॉइल के बगल में आ जाएगी। इस तरह से डालेंगे, सामने हम पेपर लगा देंगे और थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे खींचने के बाद और इसका दूसरा सिरा हम जहाँ पर हमने अभी कॉइल डाली है उसके ऊपर हम इसको डालेंगे। तो थोड़ा सा आराम से इसको डालेंगे, ये पड़ गया है और पेपर लगा दिया। उसके बाद इसका दूसरा सिरा सामने वाली स्लॉट में डालेंगे। पेपर को बाहर निकालने के बाद इसको हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये वाली कॉइल इंस्टॉल हो गई और इसके ऊपर हम पेपर लगा देते हैं। तो ये हमारी पहली कॉइल पड़ चुकी है और अब मोटर को हम घुमा लेते हैं। तो इस कॉइल का पहला सिरा ये है और दूसरा वाला ये सिरा है और जब नई कॉइल डालेंगे ये कुछ इस तरह से सीरीज बन करके आएगी यानी कि आउटर से आउटर और इनर से इनर इसके सिरे में। तो हमने कॉइल डाली, उसका लास्ट वाला सिरा सामने है। तो अब हम जो कॉइल डाल रहे हैं उसका पहला सिरा जो है सामने रखेंगे और इसको हम एक स्लॉट छोड़ करके कॉइल को डाल देंगे और दूसरा सिरा 1 से 4 पर डाल देंगे ऊपर को। तो ये हमारी साइड है और ये जो सीरीज है वो कुछ इस तरह से बन करके आई है। तो आगे की बाइंडिंग करने से पहले मोटर को घुमा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सीरीज है वो कुछ इस तरह से बन करके आई है और इसके अंदर हम सिंगल डबल राउंड करके सारी बाइंडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों ही कॉइलें डाल दी हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और उसके बाद अब हम इसकी स्टार्टिंग की कॉइल बनाएंगे। स्टार्टिंग की जो लच्छी रखेंगे वो हम 10 इंच रखेंगे यानी सर्कल में नापेंगे वो 20 इंच हो जाएगी। तो फटाफट से हम स्टार्टिंग की कॉइल बना लेते हैं और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें बना ली हैं तार को बिना कट करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 टन्स हमने इसके अंदर डाली हैं 32 नंबर के एल्युमिनियम वायर से और रनिंग के अंदर हमने 30 नंबर का एल्युमिनियम वायर डाला था। तो कॉइल हमने निकाल ली है और अब हम जो हम स्टार्टिंग की कॉइल डालने से पहले जो हमारी रनिंग बाइंडिंग की 4 पिच थी उन पेपरों को हम दबा लेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारी स्टार्टिंग की बाइंडिंग आएगी और स्टार्टिंग की पहली कॉइल का पहला सिरा उस साइड रखेंगे जो जिस साइड हमने रनिंग बाइंडिंग का पहला सिरा रखा था। तो यहाँ पर हमने ये पहला सिरा डाल दिया और इसका दूसरा सिरा हम 1 से 4 पिच पर डाल देंगे जहाँ पर हमारी रनिंग बाइंडिंग की 4 पिच थी जिसके अंदर एक राउंड आया था। इस स्लॉट के अंदर रनिंग बाइंडिंग का एक राउंड आया है और स्टार्टिंग बाइंडिंग का भी एक राउंड आया है। तो बाकी की बाइंडिंग हम सेम उसी तरह से कर लेंगे जिस तरह से हम करते हैं, जिस तरह से हमने रनिंग की बाइंडिंग की है। यहाँ पर हमने इसकी 3 कॉइलें डाल दी हैं, चौथी कॉइल डालेंगे तो इसका जो सिरा है जो 3री कॉइल का लास्ट वाला सिरा है वो सामने है। तो चौथी कॉइल का
पहला सिरा सामने रखेंगे और इस तरह से हमने ये डाल दी है, और इसका दूसरा सिरा 1-4 पिच पर डाल देंगे, और मोटर को घुमाने के बाद बाकी की बाइंडिंग हम इसके अंदर करेंगे। एक राउंड हमने डाल दिया 4 पिच पर, और 6 पिच पर हम 2 राउंड डाल रहे हैं, जो हमने अभी क्वाइल डाली उसके बगल में एक राउंड डाल दिया। और चाहें तो आप एक स्लॉट के अंदर एक ही बार में 2 राउंड भी डाल सकते हैं 6 पिच वाली पे। तो यहाँ पर हम एक बार में 2 राउंड डाल रहे हैं, जो कि हमारे राउंड दोनों ही पड़ चुके हैं। उसके बाद पेपर लगा देंगे, और अब हम सामने वाले दोनों राउंड डालेंगे। तो पहले जो इसका नीचे वाला सिरा है उसको डालेंगे, तो टेप लगा वाला हमारा बाद वाला सिरा है, और इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और इस वाले सिरे को हम 6 पिच पर डाल देंगे, जो कि खाली स्लॉट है उसके अंदर हम ये राउंड डालेंगे, और ऊपर से थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद कॉइल को खींचने के बाद, लेकिन यहाँ पर ये टेप बिल्कुल स्लॉट के सामने आ रहा, तो इसको हटाने के बाद इस कॉइल को हम इसी के ऊपर डाल देंगे जो कि हमने अभी डाली है। यानी कि 4 पिच में हम एक राउंड डालेंगे और 6 पिच में हम 2 राउंड डालेंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने रनिंग बाइंडिंग के अंदर 180 प्लस 10 प्लस 10 टर्न्स डाली हैं सभी कॉइलों के अंदर, जिसको हमने 30 नंबर के एल्युमिनियम वायर से बनाया है। और स्टार्टिंग बाइंडिंग के अंदर हमने 180 टर्न्स डाली हैं 32 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। तो सारी बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पहले पीछे की टेपिंग कर लेते हैं। तो पीछे की टेपिंग हमने कंप्लीट कर ली है, और अब हम इसके 3 स्पीड में कनेक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर सेपरेटर पेपर लगा लेते हैं। तो सेपरेटर पेपर लगाने से पहले स्टार्टिंग की कॉइलों को थोड़ा सा अंदर को झुका लेंगे, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलें आपस में शॉर्ट ना हो पाए, पेपर आराम से लग पाए। तो पेपर यहाँ पर हमने लगा दिया, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर रनिंग की 3 लीडें एक साइड है और 3 लीडें एक साइड है। तो यहाँ पर हमने पहचान किस तरह से लगाई, जो हमारी मेन बाइंडिंग है उसके अंदर हमने कोई भी निशान नहीं लगाया, रनिंग की बाइंडिंग की बात कर रहे हैं। और जो फर्स्ट स्पीड है उसके अंदर हमने एक निशान लगा दिया, सेकंड स्पीड के दोनों ही सिरों में हमने 2 निशान लगा दिए। सबसे पहले हम इसकी कॉमन बनाएंगे, तो कॉमन हमारी जो रनिंग बाइंडिंग की राइट हैंड की लीड है उसको पकड़ेंगे, और स्टार्टिंग बाइंडिंग की हमारी राइट हैंड वाली लीड जो है उसको पकड़ के आपस में मिला देंगे। यहाँ पर जो हमारी मोटर के राउंड आने वाले हैं, वो मोटर लेफ्ट चलने वाली है। मोटर जैसे कि नॉर्मली चलती है, उसके विपरीत दिशा में ये मोटर चलने वाली है, नॉर्मल दिशा से हटके। ये मोटर हैवल्स कंपनी की है। तो यहाँ पर हमने कॉमन बना दिए, उसके बाद इसके अंदर हम स्लिप डाल देंगे, और यहाँ पर जो है तार को थोड़ा सा जला करके स्क्रैच कर देंगे। तार को थोड़ा सा आराम से जलाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का वायर है। उसके बाद ये हमारी इसकी लीडें हैं 4 कोर की, तो लीडों के अंदर थोड़ा सा स्लिप का टुकड़ा डाल लेते हैं, 3 नंबर का या 4 नंबर का, जो भी आराम से आ जाए। उसके बाद ये हमारी नीली वाली लीड है, इसको हम कॉमन के अंदर ज्वाइन कर देंगे आराम से, और ऊपर से 1 नंबर की स्लिप चढ़ा देंगे। स्लिप चढ़ाने के बाद जो हमने ऊपर से स्लिप डाली थी लीड को 3 नंबर की, उसको ऊपर को थोड़ा सा चढ़ा देंगे। उसके बाद जो हमारी रनिंग की मेन बाइंडिंग का दूसरा वाला सिरा है उसको पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड की रनिंग की मेन बाइंडिंग की उस लीड को हम राइट हैंड की 1 नंबर वाली स्पीड के साथ में ज्वाइन करेंगे। इसके अंदर हम स्लिप डालेंगे, और उसको हम ब्लैक वाली लीड के साथ में ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक तार का टुकड़ा लेंगे, और उसको हम इस हाई स्पीड के साथ में ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे यहाँ से कैपेसिटर की वायर हो जाएगी, तो इसको हम स्लिप डाल देते हैं, और उसके बाद इस लीड को हम ब्लैक वाली लीड के साथ में ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी हाई स्पीड की लीड हो जाएगी। और जो हमने एक्स्ट्रा वायर निकाला है, उसके अंदर हम एक स्लिप का टुकड़ा डालने के बाद इसको थोड़ा सा अलग को कर देते हैं, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद राइट हैंड की जो हमारी 1 नंबर की स्पीड है, ये घूम करके दूसरी साइड आएगी, जो कि लेफ्ट हैंड में है। और लेफ्ट हैंड की 1 नंबर की स्पीड को राइट हैंड की 2 नंबर की स्पीड के साथ में हम ज्वाइन करेंगे, और इसके अंदर हम एक स्लिप का टुकड़ा डाल देंगे, और इसको हम वाइड वाली लीड के साथ में ज्वाइन करेंगे। ये हमारी जो है मीडियम स्पीड हो जाएगी, और इसको अच्छे तरह से ज्वाइन करने के बाद ऊपर से स्लिप चढ़ा देंगे। और उसके बाद राइट हैंड की 2 नंबर की स्पीड का जो दूसरा सिरा है, लेफ्ट हैंड में 2 नंबर के सिरा, उसके अंदर हम यहाँ पर रेड कलर की लीड ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी लो स्पीड हो जाएगी, और उसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 लीडें बची हैं, जो कि हमने एक हाई स्पीड से निकाली थी एक्स्ट्रा वायर निकाल करके,
और एक जो है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग का, जो कि कॉमन का दूसरा सिरा है, स्टार्टिंग का दूसरा सिरा, उन दोनों लीडों के अंदर हम कैपेसिटर का वायर ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर ध्यान ये रहे कि हमारी जो मोटर की स्पीड है वो लेफ्ट साइड घूमने वाली है, ये यानी कि एंटी क्लॉक वाइज ये मोटर के राउंड होने वाले हैं। नॉर्मली जो मोटर के राउंड होते हैं वो क्लॉक वाइज होते हैं, लेकिन इसके जो है एंटी क्लॉक वाइज हो गए, जो कि हम अभी आगे चला करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर की वायर भी ज्वाइन कर दी है और इसके बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद इसकी हम टेपिंग कर लेंगे। तो फटाफट से हम इसकी टेपिंग करने के बाद ये हमारी मोटर कुछ इस तरह की दिखाई देगी और जो इसके पेपर हैं उसको हम दबा लेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ ओके है और इसके ऊपर हमने बार्निश भी कर दिया। ये एल्यूमिनियम की मोटर है तो फिर भी इसके ऊपर हमने बार्निश किया है। तो सब कुछ रेडी है, फटाफट से हम मोटर को फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मोटर को फिट कर लिया है, एक बार मैं आपको चला करके दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर के राउंड इस दिशा में घूम रहे हैं। यहाँ पर आप अच्छे तरह से देख लें, मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ अच्छे तरह से। ये मोटर इस दिशा में घूम रही है एंटी क्लॉक वाइज। एक बार मैं आपको पर लगा करके दिखा दूँ। पर हमने लगा दिया है, जो इसका साथ वाला पर है टीन का पर, ये इस तरह का है। जो नॉर्मल पर होता है वो क्लॉक वाइज घूमता है, लेकिन ये पर जो है इसके साथ वाला वो एंटी क्लॉक वाइज घूमने वाला है। तो पर के हिसाब से आप कनेक्शन करें। अगर मोटर ग्राउंड गलती से उल्टे हो जाए तो क्या करेंगे, जो कॉमन में हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर लगा है उसको खोल करके स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा उसके अंदर जॉइंट कर देंगे और जो कॉमन से खोला है उसको हम कैपेसिटर के लिए ले जाएंगे। तो ये हमारी मोटर बिल्कुल ओके है। और अगर आप मोटर के राउंड सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से और इस डेटा के हिसाब से आप कूलर की मोटर की बाइंडिंग एल्युमिनियम में कर सकते हैं और इसके अंदर जो हम कैपेसिटर लगाएंगे वो 4 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।